हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सबसे पहले मैं आ गया हूँ नीतू के पास, बिकॉज आज सुबह सुबह अपने पास खबर आई कि अरमान भाई घर पे आने वाले हैं। तो अरमान भाई के लिए मैंने खाना ऑलरेडी बनवा दिया है, बाकी वो आ रहे हैं हॉस्पिटल से, तो मुझे लगता थके हुए होंगे इसलिए रूम वूम सब साफ करा दिया, सोना चाहे सो जाएंगे। खाने में क्या बनवाया भाई आज? मैंने सिर्फ उनके लिए हेल्दी बनवाया है। सच में? मैंने हेल्दी बनाया उनके लिए, सैलेड और रायता, क्योंकि या फिटनेस फैमिली है तो हेल्दी खाते होंगे ना, इसलिए। अच्छा, मेरे लिए भी हेल्दी बनवा दिया। नीतू यार इसको इसने खुद के लिए बनाया होगा, मैं जानता हूँ इसको। तो अरमान भाई का जस्ट अभी फोन आया, वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और गेट पर, मैं उनको रिसीव करने के लिए जा रहा हूँ। तो गाइस, कैसे आप सब लोग? सुपरस्टार इज हियर फाइनली, ये हमारे बड़े भाई हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया पाजी, मेरे लिए बहुत सारी चीजें लेके आए, बैटरी वगैरह, और कैमरा भी पाजी की देना, इन्होंने बताया मुझे, टाइम से ले लिया मैंने। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जो लखनी भाई हैं वो फुल टैलेंटेड है। आप इनको रील पे फॉलो करो, इंस्टा पे फॉलो करो, स्नैपचैट पे फॉलो करो, फेसबुक पे फॉलो करो, सारा रेवेन्यू मुझे ही कमा दोगे क्या पाजी? अरे नहीं, हमारे भी छोड़ दो यार, कुछ अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं। आज पहले बहुत खुशी की बात है यार, मैं कब से बुला रहा था भाई को, आज फाइनल टाइम मिल गया। लेकिन अभी मैं नाराज हूँ क्योंकि यार अकेले अकेले हैं, बाकी लोग नहीं आए। आज भी लगा लो कि मजबूरी थी, कि हॉस्पिटल में मामा जी थे, नहीं तो मैं रात को ही पहुंच जाता, पर अब आना जाना लगा रहे। तो गाइस अभी बनाने वाले हैं एक जबरदस्त शॉर्ट्स वीडियो, और जी ब्लॉग है ये हमारे पीछे आपको दिखाई दे रही, इसको कौन कौन जानता कमेंट करके बताना। तो क्या कहना चाह रहे हो? मैं बनूंगी बहन और ये बनेंगे जो की है, जो की है वो सब होगा। तो हमारे मैं बनूंगा जैसा मैं हूँ, सीधा साधा पति। तो यहाँ पर चल रहा हमारा शूट और हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर BDS। चलो, मतलब मैं ले रही हूँ। अरे गोलू देखियो बाहर, अरे भैया काटना नहीं है। मुझे भी मुझे लगा वो वहां से आ जा रही, इसलिए कह रहा है नहीं, ये एक बार उसको थोड़ी आवाज कम करना। अब है मेरा रोल जिसमें मुझे आना है और रोना है, तो पता नहीं मैं कैसे करूंगी, कितने टेक्स दूंगी पता नहीं। एक्शन। क्या हुआ नीतू, क्या हाल रखा भैया 24 घंटे का क्या है इसका? चलो करो बकवास कर रहे हैं। और अभी शूट बीच में छोड़ के मैं आया हूँ क्योंकि करण आ गए, और एक हैप्पी न्यूज़ है कि करण अपने लिए नई कार ले रहा है। और करण का क्या रहता है ना, जैसे उसने सबसे पहले अपनी कार ली थी एंडेवर, तो सबसे पहले उसमें बैठ के मैंने चलाई थी वो कार। तो करण हमेशा मुझे वो इंपॉर्टेंस देता है अपनी लाइफ में, और वो अभी गाड़ी लेकर आया है, टेस्ट ड्राइव ले रहा है लैंड रोवर, सॉरी रेंज रोवर डिफेंडर की टेस्ट ड्राइव ले रहा है, उसको वो गाड़ी चाहिए, वो आ चुकी है और अब उसकी टेस्ट ड्राइव मैं लेने वाला हूँ। करण सबसे पहले मेरे पास लेके आया, देखा इधर आ ड्राइवर। हेलो चैंपियन, ड्राइव मोड, फाइनली तूने मेरी बात मान ली, कब से बोल रहा हूँ इस गाड़ी के लिए मैं। आ देख चला, फाइनली मैं इसकी टेस्ट ड्राइव लेने वाला हूँ। मेरी वन ऑफ द फेवरेट कार है, सबको पता ही होगा, आपको तो बहुत सारी रिव्यूज सुना चुका हूँ इसके। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी, इसके इसमें बैठ के जो फील आता है ना, पीछे बैठ के तो पापा बोल रहे थे कि बहुत वो है, रफ टफ है, हाँ, पर आगे बैठ के अच्छे लगे। ड्राइव भी करी उन्होंने, फील है विक्की, मतलब देखना रोड पे ड्राइव भी करी उन्होंने, कितना क्लियर दिख रहा है एकदम, विजन कितना अच्छा है इसका यहाँ से। और फिलहाल मैं इसकी बैक सीट पे बैठा हूँ क्योंकि मुझे इसका बैक सीट कम्फर्ट देखना था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ नहीं मिलते बैक सीट कम्फर्ट को। लेकिन मैं अपना अगर आपको रिव्यू दूँ तो मुझे फॉर्च्यूनर से ज़्यादा बेटर लग रहा है इसकी बैक सीट, तो मेरे लिए ये एकदम परफेक्ट कार है। ऐसे मैं सोचना कि मैं कोई लेने का प्लान बना रहा हूँ तो करण ले रहा है, घर में आ गई तो फिर मेरी यही वो, क्योंकि मैं अपनी सफारी करण को दे दिया करूँगा और ये चलाया करूँगा खुद से। करण अच्छी डील है ना, और ये इसका सबसे अच्छा जिराफ व्यू जो किसी और कार में नहीं मिलता। और अभी जब मैं से उतरा ना गाड़ी से, ड्राइवर सीट से, ऐसा लगा मैंने पहाड़ से जंप लगाया है। थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है इसका यार। तो गाइज अरमान भाई और कृतिका बहना अभी दोनों, तो गाइज अरमान भाई को भी मैंने
सुलाया है जबरदस्ती, क्योंकि सो ही नहीं रहते यार वो सुबह से, मतलब कल से आप देख रहे हो ना उनको, पहले चंडीगढ़, फिर चंडीगढ़ से दिल्ली, फिर दिल्ली से इधर, तो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड थे। तो मैंने बोला थोड़ा रेस्ट करो, उसके बाद करते हैं सारी चीजें। गुच्चू तो भौंकता ही नहीं है किसी पर भी। गुच्चू बहुत प्यारा है, गुच्चू बहुत प्यारा है। आजा, उद्घाटन नहीं कर देता। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने घर और पाजी की रेंगलर लेके जा रहा हूँ। रेंगलर मैंने पहली बार चलाने वाला हूँ। मैंने पाजी को बोला था, पाजी ने मुझसे कहा था कि जब भी मैं सो जाऊँ तो अगर घर जाना तो रेंगलर लेके जाना मेरी। अब हम इसको चला के देखते हैं। भाई सच बताऊँ तो मजा आ गया गाड़ी चला के। इतनी ऊंची है ना ये, ऐसा लग रहा था मैं कितना ऊंचाई पे चढ़ के गाड़ी चला रहा हूँ। लेकिन बहुत अच्छी है, मेरा फीडबैक बहुत अच्छा है इस गाड़ी के लिए। हेलो भम्मू, आपको लोगों ने बहुत मिस करा आज। क्यों? अरे क्यों क्या, व्लॉग में आप बहुत लेट दिखाई दी हो ना आज सुबह। मम्मी यार टाइम से नहा लेती हैं, और जब मैं लेट नहाता हूँ तो मम्मी के आसपास मंडराता नहीं, क्योंकि डांट पड़ेगी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं अब दिख रहा हूँ मम्मी को। अभी टी शर्ट मेरी हो गई है। मैं आप लोगों को बताना भूल गया, जो मैंने टी शर्ट पहनी हुई है पापा की टी शर्ट है, और पापा को बहुत खुशी हो रही कि उनकी टी शर्ट मेरे आने लगी। ये नहीं कि मैं मोटा हो गया हूँ, पापा ने छोटी खरीद ली थी, इसका मतलब ये है। यही बात है ना, अब मैं पतला हो गया हूँ। मैं देखूँ तो एक बार, छू के देखो एक बार, कह रहे हैं वो भी छूने से पता चल जाएगी। और पतला का टेस्ट कराओगे कहीं? बहुत पतला हो गया। अरे हम ये मजाक मत बनाओ मेरा, हाथ लगा के टच करिए। ये तो ऐसे ही है, कैसे है यार, मैं इसलिए खूंटे से इलज गया, मैं उड़ ना जाऊँ ना। अब तो खाना पड़ेगा भाई, खाना पड़ेगा भाई साहब। कौन सा चूरन है, क्या होता है इससे, होता क्या है तो बताओ। ये पता नहीं सकता कौन सा चूरन है। दुनिया की सारी जड़ी बूटियां जो संजीवनी पर्वत हनुमान जी लेकर गए थे श्रीलंका में छोड़ आए थे, उसका पता मेरे ख्याल से मम्मी को मिल गया है, क्योंकि एक जड़ी बूटी ऐसी नहीं जो उन्होंने ना खाई हो। अब इससे क्या काम हो गया तो बता दो। और घर में आते तो मेरा इंटोग्रेशन शुरू हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, इंटेरोगेशन मेरा। ए है दीदी, तू तो यार हमारे घर में एक ही पढ़ी लिखी है बस, मेरी बहन लंदन से पढ़ा के ऐसे ही काम कर रहा है, सही। इंटेरोगेशन शुरू हो जाता है, तो मम्मी ने आते शुरू कर दिया है पूछताछ करना, उनको कुछ खिलाया कुछ पिलाया। मैं पिलाऊं भी ना? पिलाना भी है, पिलाने के लिए बहुत काफी सारी चीजें, ठंडाई है, अच्छा है। नहीं, पिलाने का मतलब कुछ और होता है ना यार। अच्छा, तू कुछ और ही पीता है? नहीं, मैं तो भाई मैं सबको पता है। नहीं बता दो, पर जब सबको पता तो सबका कोई ऐसे होते हैं घर वाले यार। चलो मम्मी आओ जल्दी आओ जल्दी। अच्छा मम्मी भी आ रही, मैं जाता हूँ उनको पहले उठाता हूँ। चलो मैं शीरो को ले जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने कर लिया चेंज और मैं जा रहा हूँ बैक टू होम, और मम्मी और पापा और करण आने वाले अभी अरमन भाई से मिलने के लिए, क्योंकि वो सो रहे हैं अभी, तो उन्होंने कहा थोड़ी देर सोने दे उसके बाद मिलते हैं। और इधर मैं देख रहा हूँ बहादुर भाई ने, बहादुर भाई दूध बना दिया, बन रहा है। टाइम लेगा थोड़ा सा अभी, 5 मिनट लगेगा। यार मैं सच में चाहता हूँ कि मैं इतना बड़ा कब होऊंगा कि मैं बिना दूध पिए सो जाऊँ, लेकिन वो बचपन से आदत ऐसी डाली हुई है ना। और मैं आप बिलीव करो मैं दूध भी बॉर्नविटा का पीता हूँ, हंसना नहीं यार। मैं आ गया हूँ घर पे वापस, और मुझे उम्मीद है कि वो उठ गए हों, क्योंकि यार मेरे को उनको उठाना अच्छा नहीं लगेगा बार बार। मुझे लगता है उनको थोड़ा प्रॉपर रेस्ट चाहिए, क्योंकि कल रात से जगे हुए हों, सोए भी नहीं सही से। दीपक उठ गए क्या वो लोग? अभी नहीं उठे। नहीं उठे, अरे यार सोने दूँ क्या, क्योंकि फिर मुझे लगता है डायरेक्ट सुबह ही उठेंगे वो, और सुबह उठेंगे तो अपनी इतनी सारी बातें नहीं हो पाएंगी। तो आ गई फुल फैमिली यहाँ पे, अब पूरा परिवार इधर, इतना अच्छे लग रहे हैं सब लोग साथ साथ बैठे हुए। आज पहली बार मिल रहे ना सब साथ में? तो बिल्कुल नहीं, मैं वैसे तो मिल रहा हूँ, रोज ही ब्लॉग देखते हैं। आज के लिए समझ लो, अगर हम ऐसे नहीं मिले ना फेस टू फेस तो मिले ही हुए मान लो, मतलब सारा पूरा फील रहता है, सब चीजें पता रहता है। इनफैक्ट अरमान भाई जो आपने बात बोली थी, मैंने मम्मी को बताया था, उन्होंने बोला है कि मैं कैमरे में कम रहूं और आपको नीतू को ज्यादा रखूं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ना क्या ना रिलेट ना औरतें बच्चे करते हैं। यही बोलता रहता मतलब चुप भी नहीं होता मैं, यूं ये वो पता नहीं क्या। बहुत ही जबरदस्त खाना, दही दाल। और लखन भाई आपका फेवरेट है? पाजी खाना सब फेवरेट है, बस टाइम पे मिल जाए। माशाल्लाह क्या बोल दिया भाई ने, दिल जीत लिया। तो इसी बात पे दो रोटियां आपको। तो गोलू कितनी भूख लगी है? मुझे बहुत भूख लगी है, और मुझे सबसे अच्छा जो लग रहा है ना अचार लग रहा है, देखना कितना डिलीशियस है। लखन भाई बैठो ना। बैठ रहा हूँ। नीतू तेरे को भी खाना खाना बेटा, बैठ जा। नहीं भैया मैंने आपके लिए खाना बनाया, आपको खाए बिना मैं नहीं, आपको खिलाए बिना मैं नहीं खा सकती। नीतू भी फुल। तो नीतू ने भैया हमारे लिए जबरदस्त सरप्राइज प्लान किया, नीतू अपने मुँह से बताना चाहिए। नीतू बता दे बेटा। नहीं भैया मैंने बता दे। गोलू तू बता दे। चल नीतू पूछ रही थी हमें खाने में क्या पसंद है ज़्यादा, सांभर या राजमा, तो हम दोनों ने बोला राजमा। तो नीतू बता रही है कि वो राजमा चावल बहुत टेस्टी बनाते हैं, इवन भैया ही बता रहे हैं।
तो कल वो हमारे लिए बनाएगी राजमा चावल और हम टेवल में साथ लेके जाएंगे। नहीं बोला मैंने, अपने मुंह से नहीं बोला कि मैं अच्छा बना, तू लगन वाला है। हाय हाय लगन भाई, ये क्या कह रहा है, शैतानी कर रहा है क्या? चलो कुछ नहीं, एडिट का हुआ है। चलो नहीं करेंगे, बिस्तर पर नीचे सोओगे। चलो ये वैसे हरकतें कर रहे थे, जिम भी करता है कभी कभी गुस्से में। देखो देखो भैया कितना गुस्सा कर रहा है। हाँ ये तो वो है उस फिल्म में, नहीं अक्षय कुमार में, क्या बोलते हैं उसको, एंटरटेनमेंट, वो तो गोल्डन रिट्रीवर था क्या? जो हश पपीज में नहीं आता, ये वो है हश पपीज का जो फोटो में रहता है। तो गाइज ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताना और लाइक शेयर जरूर कर देना। बाय बाय गाइज, गुड नाइट।